Okay, so I think we should be live now. In any case, 10 seconds and we're live on Facebook. Welcome back to another session, and you see Dr. Dheeraj Kapoor here once again with us. Fam Health session mein ek aur bari aapka swagat hai. Aaj ki session special hai. Thank you so much, sir, for making time for us. And I know aapka hospital se phone calls aati rahengi. So hum jaldi baat karte hain and we'll keep it short. आज का शो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये व्यूअर्स चॉइस का है. वी गॉट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम पीपल हु वांटेड टू यू नो बेसिकली डू अ शो ऑन थायराइड. एंड सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमने आज एक थायराइड स्पेशल शो ऑर्गेनाइज किया फॉर ऑल आवर व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू अस. सो डॉक्टर कपूर, थैंक यू वेरी मच. आप सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी एंडोक्रिनोलॉजी के हैं, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुड़गांव में. प्लीज टेल अस एवरीथिंग वी नीड टू नो ऑन थायराइड. आई नो वेरी लिटिल ऑन थायराइड एज अ कंडीशन. तो आई एम श्योर लॉट्स ऑफ योर क्वेश्चंस विल स्टार्ट, बट सबसे पहले थायराइड करता क्या है सर? सर यू आर ऑन म्यूट. थायराइड इज एन ऑर्गन इन द नेक राइट हियर. And it is यहाँ पर बिल्कुल पीछे पीछे. Right, right. ये यहाँ पर नहीं होता. ये Adam's apple कहते हैं ना इसको. हाँ, इसके नीचे ही होता. यहाँ पे नहीं होता. लोग बोलते हैं यहाँ पे दर्द है थायराइड में, ना थायराइड यहाँ पे होता है. So it is a butterfly shaped gland, 18 grams in weight, and it controls all the body activities. Right from your hair growth to your bowel movements, to your appetite, to your activity, to your menstrual cycles, everything, thyroid has a major role to play. So thyroid is not a disease, it's an organ. Disease do hoti hai, hypothyroidism jisme kam kaam karta hai, hyper jisme zyada kaam karta hai, but for the sake of convenience and short form we refer ke thyroid हो गया है. थायराइड तो हर पेशेंट के अंदर होता है. थायराइड हो गया है मतलब कि उसे थायराइड की बीमारी हो गई है. सो थायराइड एज सच कोई डिजीज नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑर्गन. ओके, बट थायराइड करता क्या है? हाँ, अभी ना कि थायराइड सारी ही एक्टिविटीज करता है कंट्रोल बॉडी की. जैसे कि सारी एक्टिविटीज मतलब आपका एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी स्टोरेज, सारा हेयर ग्रोथ, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सारी जो एक्टिविटीज है, बाबल मूवमेंट्स की, स्किन ग्रोथ, लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, सारा कुछ थायराइड करता है. ओह गॉड, एक छोटा सा एक ग्लैंड. ओके, मतलब अकेला नहीं पर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ओके, तो ये थायराइड डिजीज करके मतलब इज देयर समथिंग कॉल्ड थायराइड डिजीज एट ऑल और इट्स जस्ट अ कंडीशन? तो थायराइड डिजीज दो तरह की होती हैं, जिसमें थायराइड कम काम करता है, दैट्स कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. इफ द ग्लैंड इज ओवर फंक्शनिंग इट्स कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म. एंड ऑब्वियसली एज द डेटा सजेस्ट दैट बोथ आर ऑपोजिट. तो हाइपोथायरॉयडिज्म यू आर लेथार्जिक, हाइपर यू आर ओवर एक्टिव. ओके, हाइपो यू आर डल, हाइपर यू आर अग्रेसिव, एक्साइटेड ऑल द टाइम. Hypo, you are sleepy, there you don't get sleep. Hypo, you have constipation, there you have diarrhea. Okay. So they are diametrically opposite of each other. Or you hypo. So thyroid, yeah, hypo, hyper, are you born with it? Is it a defect? You may also be born with it, but that's rare. In fact, I have a review published under my name in the Journal of Thyroid Clinical Practice way back. And I have seen children as young as 3 or 4 months having thyroid disease. But it's not a dangerous thing to have. So, hoti kyun hai? Body mein kuch chemicals ban jate hain, jinhe hum bolte hain antibodies. Aur wo thyroid se ya to zyada kaam karate hain ya kam kaam karate hain. Agar antibodies ke chalte thyroid kam kaam karega, you get hypothyroidism. अगर ज्यादा काम करेगा तो यू गेट हाइपर थायरॉयडिज्म. एंटीबॉडीज अलग तरह की होती हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि बस ऑडियंस कंफ्यूज होगा. मैंने एंटीबॉडीज बोलते हो तो कोरोना वायरस का ही मतलब जिक्र? नहीं. इज एनी कोरिलेशन, आर दे एट रिस्क, ग्रेटर एट रिस्क? सो द थायरॉयड पेशेंट्स आर नॉट एट अ रिस्क फॉर कोरोना, नो.
But if someone has a hypo or a hyperthyroidism, which is not controlled, corona can precipitate it further. Corona can precipitate the thyroid disorder further rather than vice versa. I'll repeat again. Thyroid patients are not prone to corona. But if thyroid patients get corona, rarely corona can aggravate the thyroid disorder. Okay. Corona can exacerbate the thyroid disorder. But that's rare. Just because you asked me, I'm answering this. But I don't think the audience should get perplexed by this and get nervous about it. No, it's rare. Okay. So the question is ki, I know people who are taking pills every day, dawaiyan khani hai, and we'll come to the treatment protocols. So, baatcheet chalti rehti ki, you know, I have to have my thyroid medicine. Agar nahi khai dawai, to kya ho jayega? As in, if you don't treat yourself, what is the worst that can happen? I will give a very blunt answer to this. That, you know, hypothyroidism, you give something called thyroxine. And thyroxine has minimal side effects. So if someone is not having thyroxine just for the heck of it, that I will not take medicine, he's being utterly stupid. Okay. I'll be really honest here. So thyroxine, hypo, by the way, is much, much commoner than hyper. So hypothyroxine, one pill, first thing in the morning, and you are done for the day. Why should you not have it in the first place? अगर भूल गए तो कोई फर्क पड़ेगा मतलब हाँ so अगर if you forget then take double the dose the next morning अच्छा but don't make it a habit okay the levels will fluctuate unnecessarily and that has its own sets of problems so you should not miss the dose intentionally hyperthyroidism if you miss medicines that has a much more serious consequence Okay. Hypo, where the I'll come to that. Hypo, which is more common, which is less severe. If you miss a day or two, might not damage, but hyper. You should not miss medicine, otherwise it can be a huge, huge problem. If you totally miss it for months together, say hypothyroidism. You may go into something called a myxedema coma, which means the patient becomes unconscious, and that has a high, high mortality. In hyper, if you miss medicines, you may undergo something called a thyrotoxic crisis, which again is a bad thing to have. So one should not be missing thyroid medicines, especially the ones who are hyperthyroid. मिस तो कोई भी नहीं करनी है बट मिसिंग हाइपर थायराइड इज मोर डेंजरस सो द ऑडियंस शुड लीव टुडेज टॉक विद द मैसेज दैट कम व्हाट मे थायराइड मेडिसिंस आर नॉट टू बी मिस्ड ओके सर आपने किताब लिखी है एंड पेपर्स छापे हैं थायराइड पे तो कितने लोगों को थायराइड होएगा परसेंटेज इन इंडिया रफली हाउ मेनी पीपल डिवेलप दिस Percentage. क्यों ऐसा? You said कि you could be born with it, but what are the other risk factors? How can somebody become? जो commonest है वो तो antibodies है ना? तो एक होती है anti-TPO antibodies जो gland का function obstruct करती हैं. तो उसमें होता है hypothyroidism. और एक होती है TRAB antibodies जो कि gland से ज्यादा काम कराती हैं, है ना? तो उसमें होता है hyperthyroidism. अगर मैं ये शो कर रहा होता 30 साल पहले तो मैं बोलता आयोडीन डेफिशिएंसी इज द कॉमनेस्ट कॉज करेक्ट लेकिन अब क्योंकि सॉल्ट में भी कर रहे हैं रेप्लेनिश आयोडीन जिसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन तो वो डाल रहे हैं तो अब आयोडीन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है थोड़ी बहुत कॉमन इन द गैंगेटिक प्लेन स्पेशली इन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार बस्ती बहराइच इस एरिया में अभी भी है थोड़ी बहुत आयोडीन डेफिशिएंसी But otherwise, autoimmune जो बोलते हैं इसमें antibodies बन गई, that is the commonest cause for hypo. Graves में तो auto जो hyperthyroidism है उसमें तो autoimmune commonest ही है. अब कुछ लोग आते हैं साहब मुझे Hashimoto's disease हो गई और बड़े परेशान होते हैं साहब ये क्या हो गया?
So hypothyroidism caused by antibodies was first described by Hashimoto, a scientist from Japan. So it's called Hashimoto's disease. Similarly, hyperthyroidism was first described by Graves, Robert Graves from England. So it's called Graves' disease. So ye paryayvachi hai. So Hashimoto's is a synonym of hypo, and Graves is a synonym of hyperthyroidism. But ye koi aur matlab complicated situation nahi hai. It's just a generic name. It's a generic name, yeah. But complex to ye hai na ki agar dawa nahi khaoge to then you can easily complicate matters if you don't take personal time. Okay. So sir, what are the you spoke about antibodies, and antibodies jab aap bolte, do I understand that it's a reaction to some medicine that you would have had in the past? Yes. So generally antibodies are reactions to the infections you have, but these are autoantibodies, which means that they are formed in our body even without a triggering factor. So they are called autoantibodies. Apne aap hi ban gayi, auto. Apne aap hi ban gayi. So they may form even without a triggering factor. Okay. And ye pata kaise chalega ki thyroid ho gaya kisi ko? As in, is there any symptom sign? To symptoms se malum padega. So supposing someone has hypothyroidism, jisme gland kam kaam kar raha hai, he'll have swelling, puffiness, constipation, excessive somnolence, which means lots of sleep, hair loss, lots of bleeding during the menstrual cycles. ये कुछ features हैं इसके. हमारे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं वो आते हैं weight gain के साथ. और weight gain भी नहीं, मोटापे के साथ. मोटापा commonest cause है thyroid test कराने के लिए, जो doctors order करते हैं, और उनमें से 90% normal आते हैं. Okay. वो टेस्ट, मोटापा, वो टेस्ट नॉर्मल इसलिए आते हैं, और ऑडियंस को और आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा कि थायराइड से कोई इंसान मोटा नहीं होता. लेट अस क्लोज दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल. कोई भी आदमी गूगलिंग करेगा तो उसमें होगा वेट गेन, और वेट गेन से हम भी मना नहीं कर रहे हैं. लेकिन वेट गेन इज बिकॉज ऑफ स्वेलिंग एंड पफिनेस, एक्सक्लूसिव और फ्लूइड कलेक्शन, नॉट द फैटनेस. सो योर बेली डिड नॉट कम आउट बिकॉज ऑफ थायराइड, एंड इट विल नॉट गो इन विद थायराइड मेडिकेशन, रेस्ट अश्योर्ड. भाई साफ सी बात है ना, हमने मान लिया दो मिनट को कि साहब आपका जो मोटापा आया है, पेट बाहर निकला है, टीएचएस लेवल हाई था तो बाहर निकल आया वो. ठीक है, हमने आपको दवा दी, टीएचएस नॉर्मल हुआ, पेट क्यों नहीं अंदर गया फिर? जब आपका हमने टीएचएस नॉर्मल कर दिया तो पेट क्यों नहीं गया अंदर? बिकॉज इट डिड नॉट. एक बात इसमें और एड कर दूं मैं कि TSH, if it's below 10 and other hormones, T3 and T4 are normal, generally patient does not have symptoms. We call it subclinical hypothyroidism. मतलब मैं समझाता हूं और अच्छे से. किसी आदमी का TSH 10 है, उसको constipation भी है, उसको नींद भी आ रही है, most likely ये thyroid से नहीं है. हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्क नहीं कर रहे हैं, बट ये ना थायराइड की गाइज में कुछ और चीज मिस हो जाए. सो कॉन्स्टिपेशन है, टीएसएच 9 है, मैं कहूंगा दिखा के आइए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, क्यों हो रहा है आपको. सो ब्लेमिंग ऑन थायराइड मे मास्क द अदर डिजीज, दैट कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम. सो वन हैज टू बी कैटेगोरिकल, वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट if TSH is below 10 and symptoms are still happening, we have to look for another cause. Okay. More often than not, yes. Okay. Many questions, sir. So coming back to the original jo starting point tha, which is ki signs, symptoms kya hain, to aapne bataya that you know you'll feel lethargic or you'll be hyper and you need to have medicine. How would I know? And we know ki antibodies se ho sakte hai aur some reaction and autoimmune hai ye condition. That's what you're saying. Now the question is, how would I know ki mereko ab thyroid ka test karana hai? As in, will I feel something?
विल आई फील वेरी लेथार्जिक हाइपर में से पता लगेगा नहीं नहीं तो थायराइड के मोटे लोग आ जाते हैं आपके पास थायराइड है थायराइड टेस्ट तो कराओगे जब सिम्टम्स होंगे. देर आर वेरियस गाइडलाइंस विच सजेस्ट के 35 साल के ऊपर के हर आदमी कराना है साल में एक बार, सम से 40 इयर्स के ऊपर. वो तो डिबेट का मैटर है वो सब नहीं, बट अगर सिम्टम्स आ रहे हैं थायराइड के तो आपको टेस्ट कराना है. अभी जो हाइपो के हैं वो तो मैंने गिनवा दिया आपको. जो हाइपो हाइपर है, हाइपर प्रेजेंस इन अ मोर कवर्ट मैनर, मोर रादर मोर ओवर्ट मैनर. सो वेट लॉस, डायरिया, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग. सो हाइपर थायरॉयडिज्म इज मोर ओवर्ट. सो इट्स इजियर टू डिटेक्ट हाइपर That's right. The देन हाइपो दैट्स व्हाट दिस मींस commonest is weight loss. That's the commonest या symptom of thyroid. डायबिटीज है या थायराइड चेक कराओ दैट्स व्हाट डॉक्टर्स आर लाइकली टू से फॉर वेट लॉस राइट सो आधे डॉक्टर तो हम खुद ही बन गए हैं आपसे बात आपसे सीख के व्हिच इज द वर्स्ट थिंग टू फॉलो बट दैट्स व्हाट इंटरनेट इज डूइंग दीस डेज ना पढ़ लिया सब अपने ओके तो सर कई लोग पूछते हैं कि बाल झड़ते हैं हेयर लॉस हो सकता है थायराइड से और आपने कहा हाइपो में हो सकता है राइट दोनों में अच्छा हाइपर में भी एंड सीजर्स का क्या है ओनली फॉर हाइपर नहीं, सीजर्स नहीं होते, सीजर्स नहीं होते हैं अनलेस ऑफ कोर्स द पेशेंट इज कोमाटोज, बहुत लेट स्टेज में. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हाइपो और हाइपर डोंट कॉज सीजर्स. हाइपर में ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स नॉट सीजर्स, ट्रेमर्स. ओके हाथ हिलता है कुछ भी हाथ हिलता है, पूरा हाथ भी हिल सकता है ना, ट्रेमर्स नॉट सीजर्स. बट ओके सो एनी एज ग्रुप दैट दिस अफेक्ट्स और मेन वेमेन कोई जेंडर प्रोफाइल मिडिल एज आर मोस्ट प्रोन, वुमेन आर मोर प्रोन देन मेन. ओ ओके ऑटोइम्यून डिजीज, सो वुमेन आर मोर प्रोन देन मेन. ओ सो यू सेइंग कि अगर किसी को कुछ भी नहीं है अगर 40 साल के हो गए तो प्लीज जाके अपना टेस्ट करा लो थायराइड हाँ, का वो इतने ब्लड टेस्ट होते हैं आजकल तो, जो दोस पैकेजेस नो, सो दे हाँ बी थायरॉइड एवरी पेशेंट. नो तो सर कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड सो व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स मतलब इट्स जस्ट अ गोली खाना और आर दे एंड इट्स जस्ट अ ब्लड टेस्ट टेस्ट व्हिच विल डिटरमिन राइट वेदर यू हैव गॉट वन ऑफ दीस अदर थिंग्स सर एक और सवाल है एक्चुअली बिफोर आई कम टू व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये गोइटर एंड थायराइड नोड्यूल और कैंसर्स विद थायराइड सो कैन यू लाइक थ्रो सम लाइट उस पे भी थोड़ा आप बताएं जरा क्योंकि हम गॉइटर, पे हैं गॉइटर इज अ साइन, गॉइटर इज एन एनलार्ज थायरॉयड, दैट इज ऑल. ओके एनी एनलार्ज थायरॉयड इज कॉल्ड अ गॉइटर, नथिंग मोर देन दैट. ओके सो अ गॉइटरस ग्लैंड मे बी नॉर्मली फंक्शनिंग मे बी अंडर फंक्शनिंग हाइपोथायरॉयड, मे बी ओवर फंक्शनिंग हाइपरथायरॉयड. ओके गॉइटर and thyroid function have no bearing. ओके तो Goiter is just an enlarged thyroid gland. That is all. जरूरी नहीं है कि उससे कोई हाइपर या हाइपर होए कोई ना, इंसान normal भी सकता है. ओके Okay. Now, what about thyroid nodule? हाँ In a जी layman language, जैसे हमारे शरीर में मस्से हो जाते, मस्से होते हैं, वैसे ही thyroid में nodules होते हैं. So thyroid nodule is a very very common condition to have. And if it is more than 1 centimeter in size, then we can do something called FNAC, which means biopsy with a needle to find out the nature, whether it is non-cancerous or cancerous. But most nodules are non-cancerous, and they are very very common in general population. So having a nodule should not set alarm bells ringing, not at all. कईयों के एडम्स एप्पल कहते हैं बाहर निकला होता है दैट्स गॉट अ रिलेशनशिप विद No, no, no. Adam's apple. So if someone is lean and thin and a bony person, it becomes prominent. That is all. Even thyroid becomes so. We've seen prominent thyroids because in lean people, and you do an ultrasound and the size is normal. ओके तो सर ये डायबिटीज और थायराइड में कोई कनेक्शन है क्या That's a tough one. For general population, no. ओके फॉर नॉन जनरल पॉपुलेशन No, not natural. For population, no. For academicians, yes. अच्छा So, no, not at all.
ओके और एकेडमिशियंस क्या कह रहे हैं कि कोई तो एक रिमोट कनेक्शन है, अरे वो हो जाएंगे कंफ्यूज ऑडियंस, और थोड़ी छोड़ो आसानी ढूंढने की मैं कोशिश कर रही हूँ वो इन दिस ऑडियंस कंफ्यूज हो एरिया। जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है उसका। ओके ओके सो यू आर सेइंग कि कोई कोरिलेशन नहीं दिखा है, डायबिटीज और थायराइड का कोई रिश्ता नाता कहीं से नहीं है, राइट? थैंक गॉड। आई थिंक विमेन यू नो ऑफ माई एज वुड बी हैप्पी टू हियर दैट कि भाई साहब दोनों बहुत बुरी चीजें हैं, डील विद दिस। सेटिंग द बॉल रोलिंग, दीज टू को एग्जिस्ट कॉमनली, वेरी वेरी कॉमनली, राइट? बट थायरॉइड विल नॉट एग्रीवेट डायबिटीज, डायबिटीज विल नॉट एग्रीवेट थायरॉइड। ओके सो तो ब्लड टेस्ट ऑफ थायराइड की बात करते हैं, तो यू आर सेइंग कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इट हैज टू बी मैनेज लाइफ लॉन्ग, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड टेस्ट से समथिंग दैट द व्यूअर्स शुड नो कि आप जब जाओगे एक लेबोरेटरी में ये टेस्ट बोलना उनको। ब्लड टेस्ट T3, T4, TSH, ये टेस्ट है थायराइड के लिए, और जो TSH है दैट्स द फर्स्ट वन टू गेट ऑल्टर्ड, एंड T3 एंड T4 गेट ऑल्टर्ड लेटर ऑन, राइट? एंड देयरफॉर वी टारगेट TSH। नाउ इन हाइपोथायरॉयडिज्म TSH इज द फर्स्ट हार्मोन दैट शोज रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। ओके In hyper, where TSH is low and has been suppressed, in that T3 and T4 are the ones which show the earliest response to treatment. Which means कि हम TSH में अपना इलाज आधारित करते हैं hypo, और hyper में इलाज देते हैं T3 और T4 के basis पे. Correct. Correct. और इनमें इलाज में what are the different molecules या how does it change between the two things? एक तो obviously थोड़ा heighten करने के लिए आपकी body functions and movements and thyroid को activate करना है, और दूसरे को subdue करना होगा. But is the treatment protocol similar in terms of रोज एक एक दवाई is all you need to do? वो मैं बताता हूँ. पहली बात तो hypo में आप thyroid को stimulate नहीं कर सकते हो. अच्छा. है ना, उसको यू कांट हाइटन इट एज यू कॉल्ड इट। थायराइड मेक्स अ मेडिसिन कॉल्ड थायरोक्सिन, रादर हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, और उसी की गोलियां खानी होती है पेशेंट को। ओके, वी रिप्लेस, इट्स जस्ट लाइक इंसुलिन फॉर डायबिटीज, जस्ट लाइक इंसुलिन डजंट हैव साइड इफेक्ट्स, नॉट डज दिस। द रिलीविंग फैक्टर फॉर द पेशेंट इज दैट थायरोक्सिन इज ओरल एंड इंसुलिन इज इंजेक्टेबल, अदरवाइज बोथ आर रिप्लेसमेंट थेरेपीज। जो हाइपर है उसमें आप जरूर थायराइड की एक्टिविटी को स्केल डाउन या लोअर करते हो। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड कार्बिमेजोल एंड मेथिमेजोल, एंड दीज आर द ड्रग्स विच लोअर द एक्टिविटी ऑफ थायराइड। जो एल्ट्रोक्सिन है वो रोज सुबह खाली पेट खानी होती है, थायरोक्सिन, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉन, थायरोऑफ, थायरोक्स, कुछ भी, ये ब्रांड नेम बताया मैंने चार, ये आपको सुबह खाली पेट खानी होती है। और जो हाइपर की है उसका मील से कोई लिंक नहीं है, एंड दैट मेडिसिन यू मे नीड वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, इवन थ्राइस अ डे एज द केस मे बी। हाइपो, दिस इज थायरोक्सिन, हैज हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स। कार्बेमेजोल, इट मे समटाइम्स लोअर योर ब्लड काउंट्स and make you susceptible to infections, but this is a very rare condition. In last 15 years, I've just seen two patients, and I see hyperthyroid, one patient virtually every 2 or 3 days. Hypo, I see 4 or 5 patients every day. So that is the difference between the prevalence of the two. But all said and done, I have not seen blood counts go low. Just twice or thrice in my 15 years of experience. ये तो ये है, और ये side effects हैं। Test आपको दवा शुरू करने के 6 to 8 weeks के बाद करना है। So there are people who may come to you, मैंने thyroid की दवा शुरू की और मुझे घबराहट शुरू हो गई। अरे बाबा, उसका असर ही 7 दिन में आना शुरू होता है, तो first day से घबराहट कैसे हो जाएगी? And the peak effect comes in 6 to 8 weeks, which means before 6 to 8 weeks, usually you should not titrate the dose. Okay.
मतलब ऊपर डोसेज बढ़ाना या घटाना नहीं करनी चाहिए। बढ़ाओगे, घटेगा तो क्या ही, बढ़ाओगे ही। हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टूड द वर्ड टाइट्रेशन एंड आवर व्यूअर्स डिड। सर वैसे एक सवाल था, एंड ये काफी लोग पूछते हैं कि थायराइड घर पे चेक कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते ओके ओके, तो आई कांट जस्ट से कि वो। मेरे को आई कांट फील समथिंग एंड से कि थायराइड है कि नहीं। नो, सो एज आई सेड, घर पे थायराइड बढ़ा है, आप थायराइड का साइज वेगली कर सकते हो, यो करके ना, पैल्पेट यो, है ना, अंगूठे दोनों पीछे, ये बहुत वेगली, पर अपने आप कैसे करोगे, अपना ही, ठीक है। और ब्लड टेस्ट, द पैरामाउंट इज ब्लड टेस्ट, बिना ब्लड टेस्ट के कुछ नहीं है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट ना, मतलब इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव एवरी थिंग, बड़ा सस्ता है लैब, ये। एवरी लैब इज डूइंग इट, एवरी लैब इज डूइंग इट। ओके सर, जब थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर, राइट? आई नो डायबिटीज में खाना और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कैन यू थ्रो लिटिल लाइट ऑन थायराइड को मैनेज करने के लिए, व्हाट यू नीड टू डू टू मेंटेन इट अलोंग विद द पिल, या पिल खा ली और उसके बाद समोसे खा सकते हैं, यू नो आई मीन नहीं, समोसे कचौड़ी तो नहीं खाने किसी को भी। ओके सी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज हैपनिंग, दैट ऑल पेशेंट्स और ऑल ऑफ अस आर ईटिंग समोसेस एंड कचौड़ीज, एंड देन वी डेवलप थायराइड, बिकॉज वी हैड टू डेवलप थायराइड, वी डेवलप इट, एंड देन ब्लेम द पुअर थायराइड फॉर द वेट गेन। वी फॉरगेट द कचौड़ीज, वी फॉरगेट द समोसास, वी फॉरगेट नो वॉक्स एंड एक्सरसाइज, एंड देन कीप ऑन ब्लेमिंग द पुअर थायराइड। सो दैट इज नॉट ऑन। आइडियली नन ऑफ अस शुड बी बिंजिंग अराउंड, मे बी टू चीटिज अ मंथ, जो मैंने कहा था डायबिटीज में ना, वही। बिल्कुल, फ्रॉम या द थायराइड स्टैंड पॉइंट, यू नीड नॉट स्टॉप समोसास कचौड़ीज, ओके बट फ्रॉम द जनरल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, यू मस्ट रिड्यूस ऑल दैट, राइट। अब जहां तक थायराइड के परहेज की बात है, तो उसमें तो ये है कि सम पीपल से अवॉइड कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, सम पीपल से डोंट। आई सॉर्ट ऑफ टेक अ मिडिल पाथ। इफ द पेशेंट इज ऑन मेडिसिंस, आई से वेल यू हैव इट नाउ। Besides broccoli, cabbage, the greens are not unhealthy anyways. They are healthy things to have, and you are having them. But if someone is subclinical, which means TSH is less than 10, and I have not started thyroxine in the patient, then I say, well, it's worthwhile to hold on till the time TSH is below 10. Avoid these veggies and fruits. And if it goes above 10, the TSH, then we can start. सो आई टेक अ मिडिल पाथ। जो आदमी दवा नहीं खा रहा है उसमें मैं बोलता हूँ भैया मत खाओ ये सब, बट वंस ऑन मेडिसिन यू कैन हैव कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, व्हाटएवर वेजी यू वांट टू हैव। द ब्रैसिका फैमिली, ब्रैसिका फैमिली ओके और बॉटनी, क्या ओके ओके और आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए जस्ट टू स्टे हेल्दी, बट थायराइड में डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज का इतना मेजर कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रॉम द थायराइड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं, हाँ मैं बार बार वो चीज बोल रहा हूँ कि थायराइड में परहेज नहीं का मतलब नहीं कि हम बदपरहेजी करें मीठा और फ्राइड फूड की, वो तो वही चलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे थायराइड इज नॉट द ओनली ऑर्गन, एंड ऑल इंडियंस आर प्रोन टू डायबिटीज विदाउट एक्सेप्शन, मी एंड यू इंक्लूडेड। सो वो तो हमें कम से कम खाना है, लेकिन हम सोचे कि थायराइड हो गया हम उससे मोटे हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ओके ठीक है सर, तो दैट्स रियश्योरिंग टू हियर, एंड आई नो काफी टाइम हो गया है, एंड यू हैव टू लीव एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग हॉस्पिटल से कॉल्स वेरी क्विकली। हमारे famhealth.in/community पे थोड़े बहुत सवाल आए हैं, काफी जवाब आपने दे दिए हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रन थ्रू द फ्यू आप क्वेश्चन बताओ। थायरॉयड। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉयड पे सवाल है जिसका आपने काफी विस्तार में जवाब दे दिया है। विल मेक श्योर द कम्युनिटी मेंबर गेट्स दिस वीडियो। डाइट प्लान का भी आपने बोल दिया, बट एक मेंबर है उन्होंने बोला है कि डाइट प्लान क्या है थायराइड की, हैविंग बॉडी पेन एंड एसिडिटी एट एज 51, तो इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एक्स एटसेट्रा? सो लेट मी टेल यू दैट इन दिस एरा एज वी सिट, for the body pain and body ache, the commonest cause is vitamin D deficiency. And in vegetarians, vitamin B12 deficiency coexists. That's the commonest cause. But yes, if the TSH is way too high, maybe in the 35 or the 40 range, you can have body aches and pains. I'm not denying that.
तो उनके लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान है क्या कि नहीं, जस्ट जस्ट थायरोक्सिन टैबलेट वेयर यू हैव टू गिव द हार्मोन थायरोक्सिन एंड द टीएसएच कम्स डाउन, द थायरोक्सिन सप्लाई टू द बॉडी आर रिप्लेनिश्ड एंड द टायर्डनेस इज रिड्यूस्ड. एसिडिटी नो लिंक एट ऑल, मतलब नो लिंक विद थायराइड. थायरॉक्सिन और दवाई से तो नहीं, मतलब यू नो जी थायरॉक्सिन या कोई और no, as दवाई? I said, no, as I said, thyroxine has hardly any side effects, not the least, not at all, no nausea, no diarrhea, no vomitings, no acidity, no, no. ओके, तो एसिडिटी के लिए दे शुड चेक विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. Yes. ऑलराइट सर, डाइट प्लान फॉर हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स हैविंग एक्सेस वेट. सो यू सेड कि थायरॉइड के लिए कुछ नहीं, एक्सेस वेट के लिए यू हैव टू बेसिकली डाइट, राइट? Well, eat healthy. So, who stops you from eating chapatis and sabzis and dal and chicken and fish? No one stops you. But yes, we are keeping a close watch on the sugary foods. So, mind you, last time I said that sugars and carbs are not synonyms. जी Sugar is simple carbohydrate, and roti and chawal are complex carbohydrates. जी So, you can have complex, but simple carbohydrates, oily food, deep fried food will exacerbate weight gain. ओके And thyroid is no exception for that. ओके Yeah. सर, सम अदर इंडिविजुअल केसेस क्विकली रनिंग थ्रू इट. आई एम 29 इयर्स ओल्ड मैन सफरिंग फ्रॉम थायराइड कैंसर. आई एम सो सॉरी. करंटली आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिंस. हाउएवर येलो पैच डॉक्टर सजेस्टेड मी फॉर ऑपरेशन. आई एम कंफ्यूज्ड. प्लीज सजेस्ट मी फॉर बेटर मेडिकेशन. So, if you haven't had yourself operated, I think it's a wise thing to do. And you must talk to your endocrinologist or a thyroid surgeon, right? And if the patch is there, just have it removed. Thyroid surgery can be of multiple kinds: partial, total, subtotal, near total. So don't go into the jugglery of those words. But the lesion should be removed, right? Now, you may now ask me that thyroid is responsible for all the vital functions of the body. That was my first sentence in today's talk. What will happen if you remove all my gland? I will not survive. Who says? The body wants thyroxine. The body doesn't want thyroid. If the thyroid produces thyroxine, fair enough. If the thyroxine is not produced in adequate quantities, take a pill. If the thyroid is absent, removed surgically, and there is no thyroxine in the body, have a higher dose of the pill. Where's the problem? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर कैंसर है तो प्लीज आप अगर है तो आप दिखाओ पहले थायराइड सर्जन को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को और फिर देखते हैं कैसे होता है ओके ना. सर, द लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन एक काफी लंबा है एंड आई एम नॉट श्योर आई कैन मेक अ जस्ट टिल आई रीड इट. द मेंबर राइट्स कि मेरी मॉम को डायबिटीज की प्रॉब्लम है 15 साल से. अभी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं. हम 3 डॉक्टर बदल चुके हैं. डॉक्टर कभी हेवी डोज दे देते हैं तो शुगर बिल्कुल नीचे जाती है, 50 पे हो गई थी. और कम डोज देते हैं तो शुगर 200 से ऊपर पहुंच जाती है. मम्मी को घबराहट भी होती है. फिर मैं भी दर्द फिर पैर में भी दर्द रहता है. माइग्रेन, बीपी और थायराइड भी है. माय मदर्स 43 इयर्स ओल्ड. प्लीज सजेस्ट व्हाट वी शुड डू. 43, हाँ जी 43 साल. हाँ, 43 लिखा है, 4 और 3. ओके, सो इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, दैट माइग्रेन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म आर नॉट लिंक्ड टू द करंट डिसऑर्डर डायबिटीज. द पेन इन द लेग्स और द लोअर लिम्स कैन बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी एंड द अफ्लिक्शन ऑफ द नर्व्स बाय डायबिटीज, व्हिच वी कॉल द डायबिटिक न्यूरोपैथी. ओके, तो माइग्रेन और थायराइड का ताल्लुक नहीं है डायबिटीज से. और जो पैरों में दर्द है, विटामिन डी की कमी या बी की कमी, या अगर शुगर का असर हो जाए नसों पे, जिसे बोलते हैं न्यूरोपैथी, उससे हो सकता है. जो कॉमनेस्ट कॉज है ये शुगर अप एंड डाउन होने का,
वो है कि बड़ी तेजी से और बहुत रफ्तार से दवाइयां बदलना। मेरे ख्याल में आप ज्यादा उत्तेजित ना हो, स्लोली और स्टेडली दवा बदली जाए। अगर सपोजिंग 3 दवाइयों पे है और शुगर्स डाउन हो रही है, तो मैं पहले उसकी 2 गोलियां करूंगा या 2 दवाइयां करूंगा और एक ही आधी कर दूंगा, बजाय कि मैं 3 से 1 कर दूं। सिमिलरली अगर शुगर हाई हो रही है, बिकॉज हम भी पेशेंट्स देखते हैं और हम दवा लिखते हैं और 4 दिन में साफ असर नहीं आ रहा, अरे बाबा असर आएगा 10 से 12 दिन में। सो कई बार हम लोग भी बहुत एक्साइट हो जाते हैं, कई बार हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे संबंधियों का शुगर तेज से, पर दवा तो अपने टाइम से असर करेगी। सो दवाइयां बहुत जल्दी बढ़ाने से और घटाने से फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इसमें स्लोली चला जाए। और आई एम श्योर जो आपके डॉक्टर्स हैं बेस्ट करेंगे आपके लिए, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके मरीज को हाइपो हो जाए, नो वन वांट के शुगर्स कंट्रोल ना हो। सो आई थिंक वी नीड टू बी पेशेंट, वी शुड हैव पेशेंस, और हम कंप्लाई करें जो भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में, और धीमे धीमे दवा की डोज ऑल्टर की जाए। अगर सडनली एक्सट्रीम मेजर्स में करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी हाइपो और हाइपर जी, तो वी थैंक यू, आपने सवाल भेजा अपनी मदर के बारे में। अगर आप कोई रिलायबल एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक डॉक्टर से मिलना चाहें, डॉक्टर धीरज से अगर आपको अपॉइंटमेंट वगैरह चाहिए या फोन पे भी बात कर पाएंगे शायद आप, एंड आई एम स्पीकिंग फॉर यू, तो आप प्लीज वापस लिख दीजिए यहीं पे famil.in/community पे। सो मूविंग ऑन सर, एंड हम यू नो वी ट्राई एंड हेल्प यू। मूविंग ऑन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, माई वाइफ हैज अ प्रॉब्लम ऑफ थायरॉयड बट शी हैज न्यूरो प्रॉब्लम ऑल्सो, हैंड्स ट्रेमलिंग एंड डेसोलेशन ऑल्सो। मैम, ये बहुत अलग सा सवाल है। इसका कारण ये है कि अगर हाइपो थायराइड है इनको तो उसमें डेसोलेशन हो सकता है, अगर हाइपर है तो ट्रेमर्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हाइपो है और साथ में ट्रेमर्स है तो न्यूरो डिसऑर्डर है, और अगर हाइपर है और साथ में डेसोलेट है या लोनली है तो भी न्यूरो है। तो इनका आपस में न्यूरो डिसऑर्डर्स का और थायराइड का आमतौर पे कोई लिंक नहीं होता है, ओके, नहीं होता है। सो इन दिस केस न्यूरोलॉजिस्ट वुड बी द राइट पर्सन टू गिव। सर्टेनली सर्टेनली, ओके, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन सर, आई एम हैविंग डायबिटीज एंड थायराइड प्रॉब्लम एंड ऑल द रिलेटेड टेस्ट्स आर वेल कंट्रोल्ड एंड समटाइम्स बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। आई वुड लाइक टू नो वेदर मेडिसिंस फॉर थायराइड व्हिच इज थायरोनॉर्म 25 मिलीग्राम्स, हाउ लॉन्ग टू कंटिन्यू। जनरली वंस स्टार्टेड द मेडिसिन शुड बी लाइफ लॉन्ग, प्रोवाइडेड इट वॉज स्टार्टेड वेन इट वॉज एब्सोल्युटली इंडिकेटेड। सो इफ योर TSH लेवल इज बिलो नॉर्मल, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज इट कैन कॉज वीकनेस ऑफ बोन्स, रेयरली इट कैन कॉज इरेगुलर हार्ट बीट। यू हैव टू रिड्यूस द डोज एज आई सेड। सो इफ TSH इज नॉर्मल, आई विल नॉट, वाई यू डोंट चेंज योर विनिंग टीम जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। आई मीन समथिंग लाइक इफ माई टीम इज विनिंग मैचेस फॉर मी, आई विल प्ले विद द सेम 11, नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग न्यू कमर एन एक्सपोजर, आई वोंट चेंज माई टीम। सिमिलरली इफ TSH इज नॉर्मल, जस्ट फॉर द सेक दैट माई पेशेंट डजंट वॉन्ट टू टेक मेडिसिन, आई विल स्टॉप, नो, आई विल नेवर डू दैट। But in your case, since TSH is low, you should reduce your medicine. Two ways of doing it: either 12.5 every day, yours is 25, no, so 12.5 every day, or you can even stop it altogether, 25 being a low dose. Recheck after 2 months, which is 6 to 8 weeks. TSH is in the normal range. So far, so good. If it's high, restart thyroxine. Okay, so I'm sure he, his or her doctor would be I'm sure, I'm giving sure. the right advice because, so all right, thank you so much. At exactly 7:06, sir, I know आपके we've taken 6 minutes Then it doesn't matter. of your time. Thank you very very much. We didn't get too many questions on Facebook today, so I guess आपके इतनी But I guess you made up for it, yeah.
I know I asked you all the questions because honestly I had very little interaction with this area. But thank you again for your time, sir. Famhealth.in/community. Please aaiye apne sawal bhej dijiye if you want Dr. Dheeraj to answer your question specifically. And thank you for coming on our Facebook page. Stay on. We keep coming back with experts and acclaimed doctors and professionals. So look forward to seeing you for another session soon. Thank you so much, Doc. Bye. I will, yeah.